नमस्कार, जनमंच की आज़ादी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं गांव जवाहरगढ़ में, जहां से आज से 3-4 दिन पहले अमनप्रीत नाम का लड़का जो गायब हुआ था वो मिल चुका है। चलिए बात करते हैं उनके अभिभावकों से कि उनके चेहरे पर क्या खुशी है इस समय। जी सर, क्या बताओगे, जो आपका आज से 4 दिन पहले लड़का जो गायब हो चुका था वो मिल चुका है। हमें बहुत खुशी है जी, बच्चा मिलने की इतनी खुशी है कि बहुत खुशी है कि शादी जैसा घर में माहौल हो गया बच्चा मिलते ही। और ये सब मीडिया की कवरेज और उनके फेसबुक पे चलाने और टीवीओं पे चलाने के वजह से काफ़ी लोगों का इधर ध्यान गया है और उन्होंने बहुत शेयर किया है। आगे से आगे फोन बहुत आए हमें लोगों के और बच्चा बड़ी आसानी से मिल गया। पहुँचा है तो माता, लड़के की जो माता है उसके चेहरे पे क्या खुशी है इस बात को लेकर? वो जैसे दंडवत करते हैं ना जी लेट के, ऐसे उन्होंने एक बड़ी धरती पे गिर के मत्था टेका जब उसको खबर पता लगी कि मेरा बच्चा मिल गया है और पहुंचने लग रहा है। जब पहुंचा तो भगवान परमात्मा के जयकारों से घर सारा घर घूम गया। तो सर, वो यहाँ से घर से निकल के कॉलेज में गया था तो बॉम्बे में वो पहुँचा तो क्या कारण रह गया थे? वो कोई फेसबुक पे उसने ऐसा देखा कि नौकरी का झांसा दे के उसको वहाँ बुलाया गया। जी सर। और उसको ऐसा कोई समझाया गया कि तू अगर पीछे लिंक रखेगा तो तेरे साथ तरक्की नहीं करेगा। जी सर। अगर तरक्की करनी है तेरी तो पीछे घर तेरे को छोड़ के आना पड़ेगा, जब तू बड़ा अफसर बढ़ जाएगा तभी तुमने घर के साथ संभाल करना है। जी सर, नौजवान पीढ़ी से क्या संदेश रहेगा? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जब भी फेसबुक पे या कहीं और भी ऐसी कोई यूट्यूब वगैरह पे आप ऐसा कोई संदेश देखें जिसमें आपको लालच लुभाना दिया गया हो या नौकरी के बारे में कहा गया हो, तो आप अपने पेयर फ्रेंड से या अपने फादर या अपने बड़े दोस्तों से बात जरूर कर लें इसके बारे में कि ये सही है कि या गलत है, या उसके बारे में पूरी जाँच पड़ताल करके ही ऐसा कदम उठाएँ। तो बच्चा बहुत ही कोशिशों के बाद मिल गया है, पूरे परिवार ने और रिश्तेदारों ने जोर लगाया और हम बच्चे को वापस लाने में कामयाब हो गए। लेकिन किसी के भी बच्चे के साथ ऐसी घटना ना घटे और आगे से ये चौकस रहने की बहुत बढ़िया हुआ है कि चौकस रहना चाहिए उनको। परिचय क्या आपका? मैं गुरदीप सिंह जवाहरगढ़ और थाना साहा जिला अम्बाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरा भतीजा था ये बच्चा जो और गुजल। धन्यवाद सारे मीडिया जगत का और उसका फेसबुक जन्म। जी सर, पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग रहा आपके साथ? पुलिस प्रशासन का बहुत बढ़िया सहयोग मिला इसमें और अनिल बिपिन ने हमारा पूरा साथ दिया, उन्होंने आगे बात की और उसके बाद हमारा बच्चा आसानी से वहाँ हेल्प हुई हमारी, नहीं पहले कोई हेल्प नहीं हो रही थी। पुलिस प्रशासन का मैं पूरे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो देखिए, हमने आपकी बात करवाई जवाहरगढ़ से गुरदीप सिंह जी से, जिनका आज से 3-4 दिन पहले लड़का गायब हो चुका था और अब मिल गया है। और इन्होंने सभी नौजवान पीढ़ी से अपील की है कि अगर फेसबुक यूट्यूब पर कोई भी ऐसा नौकरी का झांसा वाला कोई खबर देखते हैं तो एक बार अपने माता पिता और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो देखते रहिए मेरे साथ जनमंच की आज़ादी न्यूज़ के लिए। मैं सुभाष चंद्र, मेरी सहयोगी सुखविंदर के साथ।